देखो गुरु ग्रंथ साहिब बाणी सानू कितना अंदर साडे अंदरों अज्ञानता दा हनेरा दूर कर दे। जदों महापुरख आंदे ने ना, महापुरखां दा काम ही हुंदा हैगा आ, उन्हें अपने जीवन का कुछ नहीं करना। देख लो महापुरख नानक सर, जितने महापुरखों देख लो, धन धन बाबा नंद सिंह जी, धन धन बाबा ईश्वर सिंह जी, उनके बाद भरोसा है जो होर महापुरख ने की इनके कोई जायदादां सीगियां। सर्वन करो प्रोग्राम कथा विचार भाई सुरिंदर सिंह जी गौरी दुबई वाले पासों हर सोमवार तो वीरवार तक सवेरे 8:40 सिर्फ चढ़ती कला टाइम टीवी दे। गुरु ग्रंथ साहिब दे विच आख्या के अल्लाह अल्लाह अगम खुदाई बंदे छोड़ ख्याल दुनिया के तंदे होए पे का फकीर मुसाफर ए दरवेश बैठे ने ए दरवेश कबूल करा सच निवा यकीन मसल्ला मनसा मार निवारो वासा देह मसीत मन मौलाना कलम खुदाई पा खरा सारा शरीयत ले कमावो तरीकत और खोज चलावो मार्फत मन मारो अब्दाला मिलो हकीकत जित फिर ना मरा। इस तरह मतलब काफ़ी कुछ दस्या है, कुरान के बारे दस्या, काबा बारे दस्या, कुरान कतेब दिल में एक माही दस औरत रखो बदराई पंच मर सिद्ध क्ले बादो खैर से बोरी कबूल परा। शब्द बहुत लंबा है गया। मक्का बारे की लिखे है, मक्का में रोजा पे खाका बेस्त पीर लफज कमाए अंदाजा और नूर मुश्क खुदाया बंदगी अल्ले आला हुजरा। बड़ा प्यारे शब्द ने गुरु ग्रंथ साहब दे विच, पर साडी समझ नहीं हैगी, सानू असी अज्ञानता दे अंधेरे च। अगर इस स्थान के उत्ते जिथे कि दस असं अपन ईश्वर दरबार मुजफ्फरनगर बैठे हाँ, पूरा परिवार जिहड़ा हैगा इस काम के लिए इस सेवा च बाबा जी कृपा दे नाल लगा है। कादे लई कि जन्म मरण दू में नहीं जन पर उपकारी आए, ए पर उपकार करदे ने जिहड़े मेरे पिछे बैठे ना परिवार वाले, इन्हां कोल इको ही चिंता हैगी आ, क्योंकि दास कई साल तो इस परिवार को जानता हैगा आ। कदी ये बच्चों को शिक्षा दे रहे ने, कभी ये नानक सर जाके सेवा करते हैं, कभी झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, कभी कोई काम करते हैं। पेटत संग पावरम चितै संगत कर संतोख मन पाया, संते चरण मेरे माथो पौत अनक बार संते डंडौत, ए मन संतन के बलिहारी। ये उत्थे जाके फिर यही करते हैं, पेटत संग पावरम चित आया, क्योंकि असी अपने हिरदे दे च पार ब्रह्म नूं लियाना, पार ब्रह्म नूं वसाना। सिक्खी का पहला मुढ़ला असूल हैगा आ कि सारे जीवन के विच तेनू पार ब्रह्म नज़र आवे। आखू सतनाम श्री वाहिगुरु, तेनू सारे जीवन के विच एको अकाल पुरख रूप आवे, कि सारे जीवन के चेहरे ते तेनू गुरु नानक का जोत नज़र आवे। जदों भाई तेनू गुरु नानक की जोत आ जाएगी तो तेनू फिर कोई उपरन लगेगा कि शूदर है, उच्ची जात दे, ब्राह्मण है, गरीब है, अमीर है, फलानी जगह तो हैगा आ, भाई तू कोई यह जो मान नहीं करना हैगा। दूसरा सिक्खी धर्म का मुढ़ला असूल की हैगा आ कि तेरे अंदर वसदे अकाल पुरख नू तू बाहर प्रगट करके सारे जीवों के उत्ते तू उसनू देखना हैगा। पहला असूल कि तू हर एक दे चेहरे के उत्ते उस अकाल पुरख का रूप देखना, कि समझा ना कि यह भी संसार तू देख दे हर का रूप है, रूप नजर ही आया। ये जड़ा मनु नज़र आ रहा है ना, ये मनु गुरु नानक की जोत नज़र आ रहे हैं, ये मनु अपना लग रहा है, ये मनु पुराया नहीं लग रहा। अगर भाई कन्हैया जी फटड़ हो सारे मुसलमाना गरीबों जड़े जड़े भी एक फटड़ हो गए ने, जड़े सारे को सिख है गए ने, कोई नहीं उन्होंने की नज़र आ रहा है, उन्होंने नज़र आ रहे थे कि मेरे तो कलगी दर है, मेरे कलगी तो पातशाह दे जी रह गया। उन्होंने नज़र आए आ कि मुसलमान फटड़ है गया, मुगल फौजां दा है गया, सिख फौजां दा है गया, गरीब है, ईसाई है, कोई है, उन्होंने नज़र आएगा पार ब्रह्म चित आया, पेटत संग पार ब्रह्म चित आया, कि भाई तू जो संगत की थी तो तेनू की हो गया कि तेनू सारे फिर अपने लगे ने। ताई के महापुरुख जड़े ने संसार चो जाते नहीं कि जन्म मरण दू में ना ही जन परोपकारी आए, क्योंकि असी परोपकार करन आए हैं। सिख दा मैं अपने चरणों चके बार बार कहूँगा कि जे मैं जिस तरह के दास भी हमेशा कई स्थानों जाके सेवा करता हैगा आ, एक यही भावना रखी दी हैगी आ कि भाई असी इंसानियत की भलाई करनी है। सिख ने अपने स्वरूप च पूरा रहना,
उन्हें एक दुनिया बच्चे एक अच्छी तालीम लैनी हैगी है, एक अच्छे चंगे पासे उन्हें काम करने ने, क्योंकि जड़े एहो जे काम करेगा ना भाई तेरा मुख जड़ा गया गुरु रामदास के चरणा छोएगा तो तेरी बाणी कह के सच्चा है अमर सच्ची पातशाही सच्चे सेती राते। अमर कहते ने कि सदा कायम रहने वाला तू जन्म जरा जन्म मरण गेट चाहता ना अमर ना होया, पर अमर वो हैगा या कि जड़ा के सदा कायम रहने वाला प्रभु परमात्मा के रंग रंगा रहा है, क्योंकि वह हुक्म जड़ा है सदा कायम रहा है। सच्चा अमर का मतलब है कि वह हुक्म सदा कायम रहा है और वो पातशाहियाँ भी की है वो पातशाहियाँ अटल है। अटल का मतलब कि जो प्रभु ने सूरज चंद्रमा धरती आकाश इंसान के जन्म मरण के लिए जो भी हैगा एक नियम बन दिता कि इस तरह पूर्णमाशी ए अमावास ए सूरज इस तरह आस्ते आस्ते निकलेगा पूर्व चो निकलेगा धरती गोल है धरती फिर ये एक नियम है गए ये अटल नियम है गए। तो इसी तरह के भाग ठहरे संध तुम्हारे जिन करता नहीं हरनामा परवान गणित से आए सफल तिना के काम आखो सतनाम असि सारे जग्यासु है परिवारिक हैं। सिख धर्म जड़ा है मेरी प्यारी सात संगत जी ये सिख धर्म हैगा परिवार का यह जग्यासुओं का धर्म है। ये उन्होंने धर्म नहीं है कि जिन्होंने विआह नहीं कराए जंगलों गए जटा बधाइया और फिर जाके परिवार छड़ गए होए अतीत गृहस्थ तज फिर उनके घर मंगन जाए। ये भाई गुरदास जी वारा चाहता ने कि पहले तो तू आवे परिवार को छड़ देना है या फिर परिवार को तू मंगन जाना है बिन दिते कछु ना पाई तेन पाई देना पवेगा तेन देना पाएगा कि मन बेचे सतगुर के पास ते सेवा के कार्य राज। तो गुरबाणी जी है सिखी जरा धर्म है जग्यासुओं का धर्म यह परिवार का धर्म है। परिवार के धर्म से पहला नियम है कि पति पत्नी का रिश्ता पति पत्नी ने प्यार दे नाल पति पत्नी के अगे परिवार अगे वधाना है ये गुरु नानक का हुक्म है। ये सिखी धर्म का हुक्म हैगा कि परिवार को अगे तोरना परिवार को पढ़ाना बच्चों को चंगी तालीम देनी कि जिते प्यार हैगा उत्थे संतोख हैगा उत्थे दया हैगी धर्म हैगा। कभी भी अगर असं अपने मूँह तो अपशब्द बोलेंगे ना कहते ना इंग्लिश एक वर्ड हैगी कि एवरी एक्शन हैज़ ए रिएक्शन। जे असी बॉल गेंद नू अगर गेंद असी कंध नू मारांगे तो गेंद साढ़े सिर ते मत्थे तक वजेगी। अगर तू भाई मूँह तो अगर कदे भी तू कोई अपशब्द कुछ बोलिया ना ओदा असर तेरे जीवन ते करेगा करेगा तेरे दिल ते करेगा करेगा पक्की गल हैगी है कि तू कभी भी अपने बजुर्गों के बारे अगर कोई तू अपशब्द उन्होंने गुस्से दे विच कुछ बोलिया ओदा मैल जिहड़ी होगी तेरे हिरदे च आएगी। तू अपने बजुर्गों के बारे कभी भैड़ी गल्लां सुनिया तू समाज के विचों कभी कोई भैड़िया गल्लां सुनिया भैड़े काम तू सुने देखे या तेरी अखां ने कुछ भी किया है समय लावा कि तेरा जीवन जड़ा है नैगेटिव साइड पर जान लग गया। और जड़ा एहोजा जग्यासु होएगा वो हिरदे च कभी भी गुरबाणी बोली हुई गुरबाणी सुनी हुई संगत की हुई उन्हें कोई असर नहीं करेगा क्योंकि वह पहला ही जड़ा है कि मैल मैल दिन सिर आत्मा जड़ी भरी हुई हैगी है कि सच्चा अमर सच्ची पातशाही सच्चे सेती राते। सच्चे सेती राते का मतलब हैगा कि साडा जी हूँ आत्मा हैगी इस नाम रंग च रंगी गई है। किस तरह कि जो जल में जल है कटाना तो ज्योति संघ जो समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभ के सद कुरबान। कि जिस तरह के पानी पानी च मिल जाता है जल जल च मिल जाता है मिट्टी मिट्टी च मिल जाती हवा हवा च मिल जाती हैगी है इस तरह असी जो संसार चाहना है नाम जप के सिमरन करके भगति करके। दस भी ना पिछे जे पिछले रमजान की गल है किसी इस्लामिक शहर के विच उन्होंने सानू मस्जिद बुलाया कि तुसी आओ साडे नाल विचार वटांदरा करो तो सिखा ने पता उन्हें मुसलमान वीर ने कहा कि असी जकात करते हैं जकात जो मुसलमान 10-7% करता है। तो सिखा ने कहा कि सिख दो तरह की जकात करते हैं सिख पहला दसवंत करता अपने स्वांसा का सिख हमेशा कभी भी काम करके अपने किरत विहार करके अपना परिवार पालेगा। सिख दूजा दसवंत करता है अपने किरत का वो 100 रुपये भी लियाएगा कोशिश करेगा कहते मैं 10 रुपये भी जड़े है मैं गुरु के लेखे च लगावा। तो बाणी की कहते कि सच्चा सुख सच्ची बड़ियाई जिसके से तिन जाते जिसके से मतलब है
कि असी के दे है गए हैं, असी उस अकाल पुरख जिसके से असी उस दे है गए हैं। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, जो तेरे रंग राते स्वामी तिनका जन्म अमर दुख नासा। तू संतां का संत तेरे, तू संतां का संत तेरे, सदगुरु पास बेनतिया मिले नाम दारा, तुट्टा सच्चा पाशा ताप गया संसारा। जदों तू पाई कहेगा ना कि तू संतां का संत तेरे, तेरे अंदरों जड़ में माया दा हंकार, होमे दा हंकार, ईरखा दा हंकार, मैं वड्डी पोस्ट हैगा, मैं फलाने शहर चो, मैं वड्डे शहर दे चो आया। दास कई मतलब मैं पता चलता कि यूपी दे विच साडे सरदार कौम पंजाबी कौम बड़ी पिछड़ पई है। पंजाब दे चलो नशियां नूं बर्बाद कीता, पंजाब नूं तां अबॉर्शन ने भ्रूण हत्या ने बर्बाद किया, कुछ पंजाब नूं कुदरत दे भाणे नाल फसलां बचाण दे मर गईआं, तां आत्महत्या हुंदी पई हैगी आ। पर कुछ साडे पंजाब दा रीजन पॉलिटिकल रीजन भी हैगा, जां कह दो कि इंटरनेशनल गंदगी पाउण दे लई कि सिख कौम नूं बर्बाद करना हैगा आ। पर जड़े साडे पंजाब यूपी साइड के जड़े बेचारे साडे सिख कौम हैगी है, बड़े पिछड़े पए ने। तो दास ने भी हुण गुरमुखा दे नाल कुछ एन जी ओज हैगी उहदे नाल उपराले करके उत्थे हुण इहो जिहे काम करने ने कि इन्हां नूं भी गरीबां नूं असीं कोई ना कोई बाहर इंटरनेशनल कोई जॉब दवाईए, चंगी एजुकेशन देईए, या उन्हां नूं कोई चंगी नौकरी किसी वड्डे शहर च देईए। तो इहनूं गुरबाणी कहिंदे कि सच्चा सुख सच्ची वड्याई जिसके सेहत न जाते। क्योंकि इहो जिहे जिहड़े तूं पाई काम कीते ने ना, इह सदा कायम रहण वाले ने। सच्चा साहिब दा मतलब हो गया कि सदा कायम रहना, एक अकाल पुरख जिहड़ा हैगा सदा कायम रहना, बाकी सारे काल दे वासा। कि जन्म मर दू में नहीं जन पर उपकारी आए, जी दान दे भक्ति हर सो लैन मिलाए। तब अगे पानी कहती है अखीरली पंक्ति विच हैगा आ, पक्का फेरी पानी टोवा हर जन के पीस पीस कमावा। गुरु नानक साहब नूं जदों के बाबर ने जेल च बंद किया ना, तो गुरु नानक साहब दे कोल वी चक्की चलवाई सी, और गुरु नानक साहब फिर बाबर नूं पता चलिया कि कोई एहोजा को फकीर मेरी जेल दे विच हैगा जिहदे नाल मरदाना बाला भी हैगा, चक्की अपने आप घूमती है। भाई तू फिक्र करदा कि मैं अज अपनी दुकान ते जाना, मैं अपने कार विहार ते जाना, मैं फलानी जगह जाना हैगा आ, इह फिक्र तू गुरु नानक दे चरणां विच छड्ड दे। कि पक्का फेरी पानी टोवा हर जन के पीसन पीस कमावा, हर जन के कोई संतां दा नहीं किया, उन्हां लोड़मंदां दा किया हैगा आ, जिहदे दिल दे विच भावना हैगी आ, जिहदे विच प्रेम प्यार हैगा, जिहदे विच भाव भगती हैगी आ। कि नस वंजो किल विखो करता करे आया, ये बड़ा शब्द प्यारा शब्द हैगा। कि नस वंजो किल विखो, किल विखो मतलब कि मेरे हिरदा आत्मा तो जड़े पाप चढ़े हुए ने ना, कि साडे जीवन च बड़ा एक पहला जड़ा कि एक साडे अंदर एक हंकार हैगा, नाम दे दी साखी हैगी आ, रंके बंके नूं मतलब प्रभु परमात्मा दे घर रहिंदा सीगा, नामदेव नूं हंकार हो गया कि भी मैं मैनू मेरा द्योहरा जड़ा सीगा फिरा के भगवान ने मेरे पासे कर दिता हैगा आ। पर जदों कि नाम नूं हंकार हो, नामदेव नूं हंकार हो गया ना, तो प्रभु परमात्मा नूं पुछदा कि मेरे वर्गा होर भी कोई भगत हैगा, तवज्जो देना। दो वारी भगवान चुप रहे, दो वारी भगवान चुप रहे कि नामदेव नूं हंकार है, चलो कोई नहीं बच्चा कल समझ आएगा। तो तीजी वारी कहते कि जे अगर तू अगर यही समझदा कि तेरे वर्ग होर कोई भगत हैगा, तो जा रंका बंके दे घर जा, उन्होंने जाके देख। तो उन्होंने नामदेव कहता तू उन्हें माया कुछ दिता, वो किरत विहार कर जंगलों लकड़ा लैन जाते हैं, वो कहते माया नागरी तू दिती सानू, तो साडा तो ये जहर हैगी है, सानू माया नहीं चाहिए। रंके बंके की जड़ी लड़की आ सी छोटी जी कन्या, जो नामदेव वो घर गया तो हल्दी पीसदी पई सी, तो पूछा नामदेव ने जाके वो रंके बंके रू जड़े के प्रभु परमात्मा के बड़े प्यारे भगत सके कि गा तेरे पिता जी कितने गए ने, कहते जंगल च लकड़ा लैन गए ने, तेरे इतने भगवान भी रेंदे, हाँ जी रेंदे ने, कितने गए ने, मैं उनके लिए हल्दी रिड़कती पई है, क्योंकि कल रात उन्होंने किसी नामदेव जैसे भगत की रक्षा की, देहरा फिराया उनके मोढ़े तो सट बज के खून लगा गया, भगवान ने परमात्मा का कोई शुकराना नहीं किया। आखो सतनाम, असी है ना किरत कान, असी कभी परमात्मा शुक्र किया कि दस वस्तु दे पाचे पावे एक बस कारण बिकोट कुआवे, एक बिना दे दस बीले तो मुड़ा को कहाँ करे, जिस ठाकुर से ना ही चारा ताको जिस कीजे सद नमस्कार। बाणी सानू मार्ग दसदी है, बाणी सानू जीवन का दसदी हैगी है,
तो उसकी बच्ची कहती कि मैं हल्दी पीलदी पीसदी पई हैगी क्योंकि कल भगवान ने उसका देहरा फिराया सीगा ज्यो ज्यो नामा हर गंग उचर पग जना का देहरा फिरे तो कहती भगवान ने भगवान तो शुकराना नहीं किया उन्होंने बड़ी तकलीफ हैगी भगवान बाहर कितने गए नहीं हूँ आने वाली तो मैं सारी रात उन्हें दी ना मैं और प्यो मोढ़े के उत्ते तेल लगा के मालिश करते रहिए हूँ वो आन गए तो मैं हल्दी लगा के उन्होंने दी मैं मालिश करनी नामदेव नु इन्ना मन च लगा कि मैं समझदा कि मैं ही भगवान का प्रेमी हैगा मेरे जैसे तो होर अनेक है ने ताई बाणी कहते कि सगल संतन पे वस्तु का मांगो करो बेनती मान त्यागो वार वार जाओ लख वरिया दो संतन की तूरा जियो मनु संतन की चरण तूड़ दो मंगो अपने गुरु नानक के चरणा की तूड़ गुरु नानक दे कोलो उपदेश मंगो गुरबाणी का उपदेश मंगो गुरबाणी पढ़ो पाई खंडे बाटे का अमृत छको नितनिम का पाठ करो देखो थोड़े जीवन च कितना ज्ञान आएगा दास भी मान नहीं करता दास बचपन तो लैके इस पासे लगा महापुरखों की कृपा गुरु नानक की बख्शिश तो हर कदम से मनु इस दस्तार ने हम हर कदम से मनु अगे रखे मनु जीवन से कदी भी इस मामले च नहीं होया कि भी मनु सिक्खी स्वरूप च शायद मेरे करके फलाना टिगना यह सिक्खी स्वरूप की बड़िया बरकत ने चाहे दास कितने भी गया हैगा आ हर कदम से अगे रहा हर पासों दास सुखी रहा है क्यों कि वो टासा रखे अपने मालक का ताई बाणी कहते कि पानी पखा पीसो संता के गुण गोविंद जस गाय अपने तू सेवा कर परमात्मा की भगति कर तो तेरे अंदर की होएगा कि पखा फेरी पानी टोवा हर जन के पीसन पीस कमाई तो गुरु नानक जो तो चक्की फिराई तो बाबर नूं पता चल गया क्योंकि बाबर ने बड़ा जुलम किया सी अहमदाबाद दे विच कि जदों कि वह काबुल तो फौजा लैके आया तो इस तरह शब्द आता है कि बे उतु काबुल तो जो तो लैके आया ना कि पाप की जंज ले काबुलो दाया जोरी मंगे दान भी ला लो शर्म धर्म दो छप खुले कूड़ फेरे पर दान भी ला लो काजिया बामन के गल थके अगदू पड़े शैतान भी ला लो मुसलमानिया पड़े के देबा कष्ट में करे खुदाई भी ला लो जात सुनाती खून के सोयले गावे नानक रत का कुंगू पाए भी ला लो कि जदों के सैदपुर के अहमदाबाद पुराना नाम सैदपुर से गुरु नानक साहब उस वेले उदासियां करके आ रहे थे जदों के इस्लामिक देशों में तीन साल गुरु नानक साहब जी दो साल मक्का मदीना एक साल बगदाद दिवच रहे ने गुरु साहब जी गढ़ बगदाद निभाए के मक्का मदीना सभी निभाया तो गुरु नानक साहब जी जो उदासियां करके जो सैदपुर अहमदाबाद जो आए ने तो बड़े कतलेआम हो रहे ने तो उदो गुरु साहब ने भी लोगों यही समझाया कि भाई ये तुसी को परमात्मा पूजना है क्योंकि उदो तो गुरबाणी का हाली मूला शुरू हो रहा शुरू हो रहा तो उन्होंने यही कहा कि असी अकाल पुरख को पूजना है हर एक दे चेहरे के बच्चों तुम देखो थानू परमात्मा नज़र आना चाहिए क्योंकि जो इस्लाम आने तो पहला मुगलों के आने तो पहला हिंदुस्तान के ब्राह्मणा जो उच्ची जातियों का राज सीगा और नीवी जाति के लोगों तो उन्होंने आत्मक तौर पर मारिया होया सीगा नीवी जात का बंदा तो बिल्कुल जी नहीं सकता सीगा सिक्की का मसूल ए असूल यही रहेगा आ कि सुतिया आत्मा मरिया आत्मा जगान दे जो कि गुरु अमरदास महाराज ने लंगर चलाया सीगा तो जड़े वड्डिया जातों वाले से उन्होंने बड़ी ईरखा हो रही सी सुदास समय ना लवे तो पंक्ति अखीरली यही कहते कि पखा फेरी पानी डोवा हर जन के पीसण पीस कमावा नानक की प्रख पास बेनती तेरे जन देखन पावा कि मैं अपने अखा राही मैं तेरे जगयासुओं के दर्शन करा केड़े के भाग ठड़े हर संत तुम्हारे जिन कर तन हर नामा वो भागा वाली रूहां ने वो भागा वाले जी ने जिन्हों के हिरदे दे विचों प्रभु परमात्मा का नाम तन साचा तन गुरमति पाए काचा तन फुल आवे जाए सुदास ने कुछ बोलना तो नहीं आता पर जो जो बुलावे तो नानक दास बोले जो सतगुरों ने कृपा की संगत बख्शनहार है गुरु नानक साहब बख्शनहार है तो दास हमेशा गलतियां करने वाला जीव है आप संगत बख्शन वाले हो वो आपको बोलना जानता मैं कह सबक माओ जी हो सो इतने बचन कहने का किमत जाचक है गज बच के फतेह बुलाओ जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी।